वजीर आजम इमरान खान हुकूमती तर्जुमानन के नवाज शरीफ के बाहर मुल्क वनण बाबत नरम रवैयो रखने की हिदायत कई है। वजीर आजम की सिदारत में तर्जुमानन जो इजलास थो। इजलास में वजीर आजम जो चवण हो तो नवाज शरीफ की सेहत या इलाज बाबत का भी सियासत न कंदासी। पहरें ढी का चवान तो सियासत के इंसानी सेहत का अलग रख वे इन पाकिस्तान जहा इदारा आज़ाद ए खुदमख्तियार नैब के चवण से नवाज शरीफ जो नालो ACL में विधो वो। नैब की सिफारिश से नालो कढ़ो वो। इजलास में मेंबरन पारा NRO बाबत सवाल करण से इमरान खान चयो तो वो वाजा कर छड़ियां तो ही बिल्कुल NRO ना अवा हर फोरम से NRO जो तासर जो नफी करो। इन तो नवाज शरीफ बीमार है उनसा हमदर्दी है। नवाज शरीफ जो नालो इलाज लाए ACL में कढ़ी रहा आयो। नवाज शरीफ की जाती मुआयले डॉक्टर अदनान बाहर मुल्क इलाज लाए वनण जो मशवरो दिनो। शरीफ खानदान के ब्रीफिंग दीदे चो तो नवाज शरीफ की तबीयत मतल करपोर्ट्स ठीक ना है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में ही इलाज कराने की ख्वाहिश जाहिर कई। डॉक्टर बाहर मुल्क इलाज जो मशवरो दिनो। शरीफ खानदान के भी अड़ी आगाही दिनी। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के बाहर मुल्क में इलाज कराने जो चयो पर इनकार कयो। जरियन मूजिब वालदा शमीम अख्तर भी चयो तो बाहर मुल्क में इलाज करायो वने। जैखा पोए नवाज शरीफ पेंजी माँ की गाल मनी वरती है बाहर मुल्क इलाज से राजी थी वो। रेलवे वारे विफाकी वजीर शेख रशीद जो है अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ में अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी के मौलाना फजल रहमान जो दुआं लगी वही हैं। मीडिया से गालाईंदे इन दावा कई तो नवाज शरीफ आचर से लंडन वनी रो है। शहबाज शरीफ भी उनसा गड लंडन वेंदो। इन चयो तो मरियम नवाज पेंजे वाले सा गड लंडन न वेंदी। शेख रशीद चयो तो नवाज शरीफ दरख्वास्त के नैब क्लियर करे छडींदी। भारतीय हुकूमत नजूद सिंह सिद्धू के वाघा बॉर्डर के रस्ते पाकिस्तान अचण का रोके छो। जरियन मूजिब पंज डी के वीजा के बावजूद सिद्धू के एन वक्त से पिराठारी रोको वो। जैखा पोए नजूद सिंह सिद्धू के इस्तकबाल के लिए वाघा से मौजूद मानू वापस रवाना थी व्या। जरियन मूजिब जुमे के ढी भारतीय अख्तियार नजूद सिद्धू के वाघा बॉर्डर से वन की इजाजत दियण की यकीन ध्यानी कराई पर सिद्धू के वाघा पहुंचने से भारतीय अख्तियार खेस रोके वो है। मंशा के खात्मे वाली अदालत मुस्लिम लीग नून के अगवान राना सनाला की जमानत वाली दरख्वास्त रद्द कर छी है। लाहौर के मंशा के खात्मे वाली अदालत में राना सनाला की जमानत वाली दरख्वास्त से बुधनी थी। राना सनाला तरफा एडवोकेट फराद अली शाह दलील दींदे चयो तो राना सनाला कौमी असेंबली जो मेंबर है। हर किस्म की जमानत दियण के लिए तैयार आयु। जैसे अदालत पासपोर्ट रखन चाहे थी तो उनके लिए भी तैयार आयु। एडवोकेट फराद अली शाह वधिक जो असा जो रिमांड ना है घुरे वो। राना सनाला जी मेडिकल रिपोर्ट गड आए हु दिल ए ब्लड प्रेशर जो मरीज है उन करे उन जी जमानत मंजूर कई वने। अदालत जडे घुराइंदी हाजिर थी वेंदुस। मुसलमानन जिला आजाद मुल्क जो ख्वाब दिसनंदर ए इंसानी रूप बेदार कंदर मुफक्कर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल जो अज 142वें जमण जो ढी समूरी मुल्क में अकीदत एतराम से मल्हायो वो। हर साल 9 नवंबर से पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक अलामा इकबाल के जमण जो ढी योम इकबाल के तौर पर मल्हायो वेंदो है। अलामा मोहम्मद इकबाल नंढे खंड के मुसलमानन में आज़ाद रियासत के ख्याल के जन्म दिनो। उनके लफ्जन में वह ताकत हुई तो उन्हें मुसलमानन के हकन लाए जदोजहद कंदड़ ए आज़ादी के लिए कदम अगियां वधाने की ओलीत दिनी। अलामा इकबाल नंढे खंड के मुसलमानन के गुलामी के जंजीरन में आज़ादी दियारण के लिए जुदा को कौमी जो एहसास उजागर कयो ए पेंजे शायरी जरिए मुसलमानन के जगायो। कौमी एहतसाब भेरो नैब तरफा पीपल्स पार्टी के अगवान खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड में इजाफे की दरख्वास्त रद्द कर छी है। आमदनी का वधीक एहसासन वाले केस में गिरफ्तार अगूणे मुखालिफ धुर के अगवान खुर्शीद शाह के 5 ढी के जिस्मानी रिमांड की मुदत खत्म थे सखर के एहतसाब अदालत में पेश किया वो। नैब तरफा खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड में इजाफे की दरख्वास्त कई वही जैसे अदालत रद्द कर छो। अदालत खुर्शीद शाह के 15 ढी के लिए जेल मोकलन जो हुकुम दिने 24 नवंबर से बीहर पेश करण जो हिदायतू कर छ्यू हैं। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में निम्रता कुमारी के खून से इंसाफ करने लिए मुख्तलिफ़ तंजीमन शागिर्दान शागिर्दन तरफा मुजाहरा भुख हड़तालू कैंपू कायम क्यों व्यू। उन सिलसिले में नवाब शाह वारह कंबर लाड़काणो ए बेन शहर में मुजाहरा किया। कंबर में पीपी शहीद भुट्टो तरफा डॉक्टर निम्रता कुमारी वाक़े में मुलविस जवाबदार की गिरफ्तारी ए सिंध सरकार की नाहली खिलाफ़ ब्रिटिश प्रेस क्लब अगैं एहतजाज किया वो।
लाड़काने में आसवा डेंटल कॉलेज के शागिर्दन तोड़े शागिर्दान चांडका मेडिकल कॉलेज के मुखिया दरवाजे का रैली कड़ी वही जहां शहर के मुख्तलिफ रस्तन का थी प्रेस क्लब पौती जिथे मुजाहरों कर धरणो हयो वो उन मौके से मुजाहरे नारेबाजी कदे मुतालबो कर तो निम्रता वाक्य की रिपोर्ट फौरी तौर से पदरी कई वही मुलविस किरदार के मुतफकी अंजाम तक पहुंचाया वही। हैदराबाद में पोलियो मुहिम नाकाम 7000 बार रहजी वया। हैदराबाद में जिले हुकूमत के ताउन से सेहत खाते पारा 4 नवंबर का 8 नवंबर ताई हैदराबाद 6 ॾींहनि वारो पोलियो मुहिम शुरू कई वही हुई जैमें इंतजामिया दावा कई हुई तो मुहिम दौरान जिले के कासमाबाद सिटी लतीफाबाद बाराड़ी वाले तालके समेत 10 तालकन में 5 साल ताई जे उम्र के 3,40,383 बार पोलियो का बचाव जहा फुरा पियारा पा वन पर वो इन भेरे भी जिले हुकूमत इनकारी वालदेन समेत शहर में लगभग 7,414 के पोलियो जा फुरा पियारण में नाकाम थी वही है। जरियन मूजिब रहजी वेल बारन में 955 उ बारड़ा भी शामिल हैं जिनका वालदेन हर भेरे पेंजे बारन के पोलियो जा फुरा पियारण का इनकारी होजन था। घोटकी में बिटे कत्ल केस में बिन जवाबदार के बेरा फाई की सजा मिली वही है। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट में बिन सोटरन फरमान अली खान मोहम्मद मलाणो के कत्ल केस की बुधनी थी जै दौरान पुलिस जवाबदार के पेश कर अदालत बुधनी बाद फैसलो जारी कर जै मूज बिटे कत्ल जो डोह साबित थे ते जवाबदार राबेलो मलाणो ए मीर मलाणो के बेरा फाई की सजा बुधाई वही जदें तो 5,5 लख रुपया दंड भी लगाया वो। अदालत 13D के केस में भी सागिन जवाबदार के 7-7 साल कैद की सजा बुधाए छी है।